हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो मेरे इस समय डिस्प्ले पे चल रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पिक्चर चल रहा है, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी है लोगो टाइप, जो उनके इमेज है वो आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस आप लोगों को देने वाला हूँ। और ये सिर्फ एमकॉम या टीवाई बीकॉम या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है गाइस। ये वीडियो में जितने लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से लिंक है, मतलब जुड़े हुए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लोग, उन सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में एमकॉम हुए, बीकॉम हुए, अपना बीए हुए, एमए हुए, बीएससी आईटी हुए, जितने भी लोग जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो क्या इन्फॉर्मेशन, हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके आगे मत जाना, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के पहले मैं कुछ मेरे चैनल के बारे में इन्फो कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम अपने चैनल पे चले जाते हैं। तो ये मेरा चैनल है गाइस, आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से हैप्पी दिवाली गाइस, बिकॉज कि हैप्पी दिवाली के टाइम ही मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज किया हुआ है गाइस, सूरज पटेल एजुकेशन। इसके पहले मेरे चैनल का नाम था सूरज पटेल और इस समय है सूरज पटेल एजुकेशन। रीजन की फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब पे अगर आप सीधा पुट करते हो सूरज पटेल एजुकेशन के नाम से, तो मेरा चैनल सबसे फर्स्ट आ जाएगा। तो गाइस, आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस समय कभी भी मेरे जो चैनल होंगे वो चैनल का नाम सिर्फ यूट्यूब पे जाके सूरज पटेल एजुकेशन लिखना, आपको मेरे चैनल पे लेके आ जाएंगे। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप सभी लोग बैठा फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल गूगल के ऊपर अगर आप सर्च कर रहे हो मेरे चैनल को, तो youtube.com लिख के सूरज पटेल एजुकेशन नंबर वन अगर आप टाइप करते हो तो आपको मेरे YouTube चैनल पे लेके आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसा लगता है कि मुझे और भी मतलब बात करना सूरज सर से, अगर कुछ होगा फ्रेंड्स, आपका भाई हो, आपका फ्रेंड भी हो, तो आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी, मतलब मेरा जो फेसबुक है उस पे भी आप मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मेरे साथ फ्रेंड बन सकते हो गाइस। तो उसमें भी आपको नॉर्मल गूगल पे, या गाइस आपको गूगल पे कहीं और भी नहीं जाना है, गूगल के ऊपर facebook.com/ डाल के सूरज पटेल एजुकेशन नंबर वन डालोगे तब भी आपको मेरे फेसबुक से मिल जाएगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो गाइस instagram.com लिख के स्लैश डाल के सूरज पटेल एजुकेशन नंबर वन अगर आप डालते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज आ जाएगा। कहने का मतलब है कि गाइस, मैंने दिवाली के टाइम पे कुछ चेंजेस किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को लेके। आपको सभी जगह सूरज पटेल एजुकेशन डालोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे, और नंबर वन करके जितने पे भी डालोगे तो हर जगह मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चैनल पे आ जाओगे। तो गाइस, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को बताना था कि गाइस अगर आप चाहते हो तो मैं इधर भी सब आप लोगों को अवेलेबल हो जाऊंगा। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे। तो थैंक यू सो मच कि मैंने मेरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो फर्स्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे आ जाते हैं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट कैसे ओपन होता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को नहीं पता है गाइस। कुछ नहीं करना है, आप mu.ac.in सिर्फ टाइप करके इंटर करना है। हल्का सा नेट स्लो है साइट गाइस। सो गाइस, जैसे ही आप टाइप करते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट के पेज पे आ जाओगे गाइस, कुछ नया दिख रहा है इस साइट के ऊपर गाइस। ये हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट है और मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिया है। आपको पहले उसका होम पेज कुछ और ही दिखता था, जैसे कि आपको मेरे वीडियो पे दिख जाएंगे, लेकिन अब मुंबई यूनिवर्सिटी का होम पेज कुछ इस तरीके से जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है गाइस। मीन्स कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी दिवाली के टाइम अपने हर एक चीज़ जो होम पेज होता है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आ गए हैं। और क्या क्या चेंजेस लाए गाइस, मैं आपको अभी भी बताना चाहूँगा। और इसके पहले कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं वीडियो बनाने वाला था कि हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें, तो फिलहाल तो मुंबई मैंने पिछले जो उनका था होम पेज उसमें देखा था, और मुंबई यूनिवर्सिटी का होम पेज चेंज हो चुका है गाइस। तो इसमें काफ़ी कुछ मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किधर क्या है,
तो शायद मैं वो वीडियो अभी ना बना पाऊँ, लेकिन गाइस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, डोंट वरी। मुझे थोड़ा टाइम दे दो इस पूरे होम पेज को समझने के लिए, और काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस होम पेज पे पुट भी नहीं किया हुआ है। तो जैसे कि एक पूरा ऐसा प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि कैसा है ये होम पेज, कुछ गाइस इस तरीके से है। मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा। तो ये सब मतलब उन्होंने जो भी सेलिब्रेट किया था नाम चेंजेस करते वक्त। और गाइस ऐसा नहीं कि दूसरा है, ये वही अपना कलीना यूनिवर्सिटी का एड्रेस देख लीजिए, कलीना यूनिवर्सिटी का जो सांता क्रूज ईस्ट में ही है, ठीक है। तो ये कलीना यूनिवर्सिटी में ही चेंजेस हुआ है, ठीक है, जो अपना मुंबई यूनिवर्सिटी है सांता क्रूज का। सो गाइस ठीक है, मैं आपको ये पूरा प्रीव्यू दिखा दिया। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आप लोगों को विश किया, मुंबई यूनिवर्सिटी के भी जितने स्टाफ है, जितने प्रोफेसर है, सर आप लोगों को भी दिल से हैप्पी दिवाली। एंड फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज बता दूं कि ये जो होम पेज है आपको दिख रहा है, मैं होम पेज पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेन होम पेज इस तरीके से है गाइस, मुंबई यूनिवर्सिटी का, ठीक है। देन उसके बाद ये आता है, हम अदर इंफॉर्मेशन में जाते हैं, जैसे कि अबाउट अस एंड ऑफिस। अभी इसमें काफी कुछ उन्होंने पुट किया हुआ है, जो धीरे धीरे करके मुझे भी समझना है और आप लोगों को भी समझना होगा गाइस। डोंट वरी गाइस, आप जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आप सभी को सपोर्ट मैं करूंगा। हर इंफॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी के इस साइट पे जो भी होगा मैं गाइस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी को काफी कुछ डालना बाकी है, जैसे कि एग्जामिनेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस कि इधर कुछ एक्सेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मीन्स कि इधर मुंबई यूनिवर्सिटी को कुछ पुट करना बाकी है। सेक्शन में चले जाते तो इधर कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है गाइस। देन फैसिलिटीज पे चले जाए तो कुछ इस तरीके से है, मतलब काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी ने चेंजेस किया है फ्रेंड्स, जो हम धीरे धीरे करके पता चलेगा, एक ही बैग तो पता नहीं चल सकता, ठीक है। मुझे भी पहले देख के इसे समझना होगा। तो बस मुझे तो आपको लोगों को यही बताना था कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं इस वक्त आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी कुछ लोगों को बोले, कुछ लोग कहेंगे कि मुश्किल है, टफ है, इधर देखिए TYSM, ठीक है, कुछ तो दिया हुआ। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैंने आप लोगों को यही बताना था कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। आप भी अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हो अपनी स्टडी को लेके। एंड गाइस फिर से आप सभी लोगों को दिल से हैप्पी दिवाली, इन्जॉय कीजिए इस दिवाली को और अपनी स्टडी को लेके आगे चालू रखिए। और जो भी हॉल टिकट है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि हॉल टिकट कब क्या होने वाला है। एक इम्पोर्टेंट नोटिस फ्रेंड्स आप लोगों को दे देता हूँ कि आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी से। हम गए थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमें कह दिया था कि स्टडी मटेरियल फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या सर वो अभी अवेलेबल है क्या? तो फ्रेंड जिन लोगों ने मुझे ये पूछा हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी जाइए, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपका स्टडी मटेरियल आ चुका है और अवेलेबल है। तो आप जाके मुंबई यूनिवर्सिटी से आपका स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो में, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।